नमस्कार, होली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे गुजिया। तो सबसे पहले हमें एक डो तैयार करना होगा। इसके लिए आप लीजिएगा 2 कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, 4 से 5 बड़े चम्मच तेल, मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे पास इतना तेल होना चाहिए ताकि मैदा अपनी शेप होल्ड कर सके। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और गूंदेंगे और हम पानी इतना ऐड करते रहेंगे कि हमारा डो तैयार होने लगे। कुछ देर तक इसको गूंदते रहेंगे ताकि हमारा डो एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ तैयार हो जाए। और लगभग 1 घंटे के लिए इस डो को सेलोफीन शीट के अंदर छोड़ देंगे। फिलिंग के लिए हमें खोया चाहिए, ये रोस्टेड खोया है, इसमें चीनी पहले से डाली गई है। इसमें आप डालेंगे मेवा, चिरौंजी, कसा हुआ कोकोनट और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब जब हमारी मैदा और फिलिंग तैयार है तो अब हम इनको असेंबल करेंगे। इसके लिए पहले आप छोटी छोटी लोई काट करके उन्हें बेल लीजिए। इस वीडियो में हम गुजिया, चंद्रकला और पिचकिया तीनों चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पूड़ी के अंदर आप 1/2 चम्मच फिलिंग रखिएगा, उस पर दूसरी पूड़ी रख दीजिएगा, ये आपका एक चंद्रकला तैयार करेगा। अब सारी चारों ओर से इसको फ्लैट कर लीजिए, हवा बाहर निकाल लीजिए और इसको गोल लीजिए। इसके लिए आप दोनों पूड़ियों को दबाएंगे और फोल्ड करेंगे, फिर दबाएंगे और फोल्ड करेंगे। इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत लग सकती है, ये थोड़ा सा मुश्किल है मगर ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार से एक पूड़ी लीजिए, उसके बीच में फिलिंग रखिए और इस पूड़ी को जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये आपकी गुजिया बन जाएगी। इसके बाद दोबारा इसको सारी ओर से कस के दबा देंगे और इसको फोल्ड करेंगे जिस प्रकार से हमने चंद्रकले को फोल्ड किया था। तो अभी आपकी गुजिया तैयार है। और ये एक दूसरा तरीका है, ये मेरी माँ फोल्ड कर रही हैं और ये थोड़ा और मुश्किल है, आप चाहें तो इसे करें। अगर आपको आता है ये सब बनाना तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप होगा, लेकिन अगर आप नए पहली बार ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये वाला स्टेप आप ना कीजिए। देखिए, ये देखने में अलग ही सुंदर लगता है, मैं इसको डायनासोर गुजिया कहती हूँ। तो अब जब आपकी गुजिया और चंद्रकला तैयार हैं तो आप इसको ढक दीजिए और कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम तलेंगे। तो आप एक कढ़ाई में धीमी आंच पे कुछ गुजिया या चंद्रकला, जो भी आपका मन है, डालिए। कम से कम 2 मिनट को हर तरफ से सेकिए और उसके बाद उसे बाहर निकालिए। मैं थोड़ा हल्का सेकती हूँ, अगर आप ज़्यादा सेकना पसंद करते हैं तो उस तरह से कीजिए। हमने एक छोटी सी गुजिया भी बनाई थी। आगे चाशनी के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 कप चीनी लेंगे और उतना ही पानी लेंगे। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लें। अब एक खोल आने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फ्लेम को धीमा कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब आपकी चाशनी तार ना बनाए ऐसी कोशिश कीजिएगा। तो अब गैस बंद कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें सैफ्रन डाल दीजिए। इसके बाद इसको ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब ये लगभग गुनगुना हो तब आप इसमें अपना चंद्रकला और पिचकिया डालिए। जिन गुजिया को हम चाशनी में डालते हैं फिर वो पिचकिया कहलाई जाती हैं। तो अब आप इनको 15 मिनट के लिए ऐसे रख दीजिएगा। ध्यान दीजिए कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है, गैस नहीं जल रही है, ये तैयार हैं। इसको आप पिस्ता और कोकोनट श्रेड से गार्निश कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम दिव्या है और सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएँ।